व्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं और आईफोन आपके पास है और कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या चीज़ सही रहेगी मेरे लिए, कोई सेल्फी स्टिक सही रहेगी या कोई गिम्बल सही रहेगा। तो उस केस में दोस्तों ये मैंने लिया है ग्रिप टाइट प्रो 2 गोरिल्ला पॉड फॉर स्पेशली फॉर आईफोन्स, और ये है जॉबी कंपनी का। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, ये ट्राईपॉड का भी बड़ा अच्छे से काम कर रहा है और इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। इसका प्लस पॉइंट ये होने वाला है दोस्तों कि आपको इसमें ग्रिप भी मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे किसी ऑब्जेक्ट पे रैप भी कर सकते हैं या स्टैंड करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही तरीके से आप इसकी वीडियो ले सकते हैं। चलिए जल्दी से खोल के दिखा देते हैं इसको और देखते हैं ये कैसी लगती है देखने में। वैसे आजकल जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग कि वीलॉगिंग काफ़ी पॉपुलर हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे अटकती है दोस्तों कि अच्छा सा सेल्फी स्टिक जिसमें ग्रिप अच्छी बने ताकि आप वीडियो बिना कुछ हिले और थके आप वीडियो कंटिन्यूसली बना सकें। उस केस में दोस्तों ये जो गोरिल्ला पॉड जो है वो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, ग्रिप टाइट प्रो 2 से कहते हैं। एप्पल के स्टोर से मैंने लिया है और ये मुझे करीबन 10,000 येन का पड़ा है। अगर मैं रुपीज़ में बात करूँ तो अराउंड 7,000 या 6,700 6,500 का यू कैन से इतने का मुझे पड़ा है। और इसका लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड दोनों ही आप इसमें बना सकते हैं। चलिए खोलते हैं। खोलते में थोड़ा सा यार गलतियाँ तो कर ही देता हूँ, थोड़ा सा फट गया मुझसे, मेरा खोलने का तरीका थोड़ा सा हमेशा से ही अजीब सा रहा है। खैर एनीवेज मैं आपको अभी ये खोल के दिखाता हूँ किस तरीके से लगता है। 180 डिग्री जो है इसकी टिल्ट रेंज है, ये 180 डिग्री टिल्ट हो जाता है तो इससे आपको एक वाइड एंगल मिल जाता है वीडियो को लेने का, और टिल्ट एडजस्टमेंट भी इसमें आप कर सकते हैं। लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड भी हो जाता है और इसका जो लॉकिंग जॉज है स्मार्टफोन्स के लिए वो सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। ज़्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं, पीछे आपके जो आपको जो है नट नट है वही थोड़ा सा टाइट से कसना है और एक अच्छी खासी ग्रिप बन जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टील, ये स्टील का बना हुआ है तो कोई हल्का मटेरियल यूज़ नहीं किया हुआ है इसमें। जो भी जो है आपका वीटेक ग्रुप का ब्रांड है, वीटेक जो ग्रुप है काफ़ी कुछ बनाता है आपका फोटोग्राफी से वीडियोग्राफ से लेके और सॉफ्टवेयर वगैरह से लेके, तो उसका ये एक इक्विपमेंट है और काफ़ी रिलायबल है क्योंकि ये एप्पल स्टोर्स में अवेलेबल है इस वजह से। और ग्रिप गियर काफ़ी इसकी अच्छी है, अगर आप बनाते हैं वीडियोस इसमें और तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि आप शेक करेगा आपका हैंड या कुछ तरीके, ग्रिप बहुत अच्छे से बन जाती है इसलिए। और इसके साथ में आप चाहें तो माइक भी एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर, जो उसका आप देखेंगे ग्रिप टाइट होल्डर जो दिया गया है उसमें आपका ऊपर जो है माइक आराम से फिट होता है, जो आजकल के डेट में आते हैं अलग अलग तरीके के माइक वो इसमें आराम से फिट हो जाते हैं। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कैसे ये ग्रिप में फिट होता है फ़ोन और वाकई में कंफर्टेबल है कि नहीं। ये फटाफट इसको मैं लगा के देखता हूँ। ऊपर की तरफ ये होल्डर देख रहे होंगे, अलग अलग तरीके के आप इसमें माइक फिट कर सकते हैं। मुझे प्रेफरेबली यार जो वायरलेस माइक है वो बड़ा पसंद है, बट एनीवेज इसको ग्रिप फिट करके देखते हैं कैसा है। पीछे से बस स्क्रू टाइट करना है और लगता है फिट हो गया, बट ओ गिर गया मुझसे, लगता है ढंग से मैंने इसकी ग्रिप टाइट नहीं करी। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से पूरा अच्छी तरीके से पुश करने के बाद पीछे से स्क्रू टाइट करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने लगता है ढंग से इसका जो है पीछे से स्क्रू टाइट नहीं किया, ऊपर और साइड नीचे की तरफ से ग्रिप को पहले एडजस्ट करके पीछे से स्क्रू टाइट करना है। हाँ अब लगता है बिल्कुल ठीक हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं देखने में यार वैसे कहूँ तो देखने में बड़ा अट्रैक्टिव अपीलिंग लगता है और किसी भी तरीके से जैसा मैंने कहा रैप हो जाता है ये। आप चाहें तो इसे किसी ऑब्जेक्ट के उसमें भी रैप करके, और आप अगर आपके पास जो है वायरलेस माइक है तो वो उसकी उससे आप थोड़ा सा दूर जाकर भी आप आराम से वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। इसमें ग्रिप तो मैंने जैसा आपको बताया है स्लिपरी ग्रिप नहीं है इसकी बिल्कुल भी, तो बढ़िया रहने वाला है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं
कोई गोरिल्ला पॉड लेने का, तो आई वुड रिकमेंड यू कि ग्रिप टाइट प्रो 2 जो है बेस्ट रहेगा आईफोन्स के लिए स्पेशली। कुछ इस तरीके से पकड़ के अपना वीलॉग बना सकते हैं, ग्रिप काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी, सॉलिड। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो, फिर आऊँगा मैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, चैनल को जाते जाते लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।